हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन झा फ्रॉम दिल्ली। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं अपने इन्फॉर्मेशन सेगमेंट में अभी लगातार वीडियो डालते जा रहा हूँ, जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंटरनेशनल शिपिंग लॉजिस्टिक ट्रेड से रिलेटेड वीडियो होता है हमारा। तो आज मैं उस इन्फॉर्मेशन सेगमेंट में आपको बताने जा रहा हूँ, इंडिया के अंदर जितने भी ड्राई पोर्ट्स होते हैं, ड्राई पोर्ट्स के अंदर होते हैं ICD और CFS, और सी पोर्ट्स के अंदर आते हैं टर्मिनल्स। तो मैं इंडिया के अंदर जितने भी ICDs एंड CFS हैं और जितने भी टर्मिनल्स हैं, उन सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज शेयर करूँगा। सबसे पहले जो ICD किसे कहते हैं, ये आप क्लियर कर लो, नोट कर सकते हो आप। ICD मतलब इनलाइन कंटेनर डिपो, ICD। और एक होता है CFS, कंटेनर फ्रेट स्टेशन। तो ये दोनों लगभग सेम ही होता है, ICD और CFS सेम ही होता है। कहीं पे ICD वर्ड यूज़ करते हैं, कहीं पे CFS वर्ड यूज़ करते हैं। ICD और CFS को हम आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, ICD और CFS इज ए शिपिंग टर्म्स, मीनिंग दैट्स गुड्स विल बी पैकिंग इनटू शिपिंग लाइन कंटेनर एट द पोर्ट ऑफ ऑरिजिन। ICD और CFS बोथ इज temporarily storage from import and export in laden and empty container। तो आपने समझ लिया कि ICD मतलब inland container depot और CFS मतलब container freight stations। तो ये सारे दोनों ICD and CFS warehouse, ये सारे dry ports के पे होते हैं और sea ports पे भी होते हैं। तो यहाँ से dry ports से और sea ports से container लो जाता है अदर अदर destination में। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा इंडिया में दिल्ली के अंदर ड्राई पोर्ट्स हैं, दिल्ली के अंदर सी पोर्ट्स नहीं है दोस्तों, दिल्ली के अंदर ड्राई पोर्ट्स हैं। ड्राई पोर्ट्स में ICD और CFS हैं। सबसे नंबर वन पे है कॉनकॉर्ड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कॉनकॉर्ड। ये है ICD TKD, जिसको तुगलकाबाद बोलते हैं, इनका शॉर्ट फॉर्म होता है कस्टम के अंदर, कोड होता है INICD। ICD TKD पहला हो गया आपको दिल्ली के अंदर। दूसरा ICD है DCT ओखला, डोमेस्टिक टर्मिनल कंटेनर ओखला। उसके बाद तीसरा है CWC ICD परपरगंज, उसे CFS परपरगंज भी बोलते हैं। ये परपरगंज गाजीपुर में ईस्ट दिल्ली में पड़ता है। तो दिल्ली के अंदर तीन ICD हो गए, ICD TKD, DCT कॉनकॉर्ड ओखला, और ICD TKD कॉनकॉर्ड टीके तुगलकाबाद, और CWC ICD परपरगन या CFS परपरगन, इसको CFS PPG भी बोलते हैं। तीन ड्राई पोर्ट्स हो गए दिल्ली के अंदर। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आता है उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर आता है आपको CWC ICD लोनी, ICD दादरी, ICD आगरा, और ICD कानपुर, और कॉनकॉर्ड मुरादाबाद, ICD कॉनकॉर्ड मुरादाबाद। और उसके बाद एक आता है खुरेजा, जेवर में आता है ये यूपी में। तो यूपी में हो गए आपके 6 ICD, ICD लोनी, ICD दादरी, ICD आगरा, ICD कानपुर, ICD मुरादाबाद, और ICD ये आपका खुरेजा जेवर। उसके बाद हरियाणा के अंदर आता है आपको DICT सोनीपत हरियाणा, उसके बाद पहला। उसके बाद दूसरा हो गया कॉनकॉर्ड ICD पानीपत, उसके बाद तीसरा हो गया ICD जटीपुर विलेज, ये समालिखा में आता है, समालिखा पानीपत हरियाणा। उसके बाद चौथा हो गया ACTL फरीदाबाद, ACTL एसोसिएटेड कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड ACTL फरीदाबाद। उसके बाद आपका 1, 2, 3, 4 पांचवा हो गया ICD फरीदाबाद, इसको बोलते हैं गेटवे रेल फ्रेट लिमिटेड, ICD फरीदाबाद, या फिर इसको ICD प्याला भी बोल सकते हैं। ये बल्लभगढ़ में पड़ता है, बल्लभगढ़ फरीदाबाद में पड़ता है, ICD प्याला, ICD फरीदाबाद। फरीदाबाद में दो हो गए ACTL फरीदाबाद और ICD फरीदाबाद गेटवे रेल फ्रेट लिमिटेड, ICD प्याला बल्लभगढ़। उसके बाद हो गया कॉनकॉर्ड ICD बल्लभगढ़, नियर रेलवे स्टेशन बल्लभगढ़ के पास में पड़ता है। उसके बाद आता है हिंड टर्मिनल दिल्ली लॉजिस्टिक पार्क पलवल हरियाणा, HT
हिंद टर्मिनल, दिल्ली लॉजिस्टिक पार्क, लॉजिस्टिक पार्क के नाम से है, पलवल हरियाणा में पड़ते हैं। उसके बाद अदानी लॉजिस्टिक पार्क, ये है आपका पाटली में, साउथ ऑफ गुड़गांव। उसके बाद है गेटवे रेल फ्रेट लिमिटेड, आईसीडी गढ़ी हरसरू, आईसीडी गढ़ी हरसरू, ये गुड़गांव में है ये भी। और उसके बाद आपका है कॉनकोर आईसीडी रिवाड़ी। उसके बाद है संजीविक टर्मिनल आईसीडी बावल नियर NH-8। तो ये सारे हो गए हरियाणा में, हरियाणा में हो गए आईसीडी सोनीपत, कॉनकोर आईसीडी पानीपत, जटीपुर विलेज आईसीडी समालिका पानीपत, एसीटीएल फरीदाबाद, आईसीडी फरीदाबाद, गेटवे रेल फ्रेट पियाला बल्लभगढ़, कॉनकोर आईसीडी बल्लभगढ़। उसके बाद हिंद टर्मिनल, दिल्ली लॉजिस्टिक पार्क पलवल। उसके बाद अदानी लॉजिस्टिक पार्क पाटली, साउथ ऑफ गुड़गांव, गेटवे रेल फ्रेट लिमिटेड आईसीडी गढ़ी हरसरू गुड़गांव, और कॉनकोर आईसीडी रेवाड़ी, और एक हो गया आपका आईसीडी बावल नियर NH-8। अब आएंगे राजस्थान में, राजस्थान में दोस्तों चार आईसीडी हैं, कॉनकोर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क खाटूबास राजस्थान, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क खाटूबास राजस्थान, ये इसको डील करता है कॉनकोर के अंतर्गत आता है ये राजस्थान के अंदर। फिर दूसरा है राजस्थान में आईसीडी जयपुर, ये भी राजस्थान में आता है। उसके बाद आईसीडी जोधपुर, ये भी राजस्थान में आता है। अदानी लॉजिस्टिक पार्क किशनगढ़ राजस्थान, ये राजस्थान, तो राजस्थान में आपके चार आईसीडी हो गए, आईसीडी खाटू मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क खाटूबास, आईसीडी जयपुर, आईसीडी जोधपुर और अदानी लॉजिस्टिक पार्क किशनगढ़ राजस्थान। अब आएंगे हम गुजरात में, तो गुजरात में गुजरात में आएंगे तो गुजरात में लगभग सारे सी पोर्ट्स हैं, ओशियन पोर्ट हैं, टर्मिनल हैं और आईसीडी भी हैं। तो हम गुजरात में सबसे पहला है मुंद्रा पोर्ट, जिसका कोड है कस्टम में INMUN, इनमुन या MDPT भी बोलते हैं इसे। तो ये मुंद्रा पोर्ट है पहला। दूसरा है पिपावा पोर्ट है, इसको बोलते हैं, इसका कस्टम में कोड है INPAV, पिपावा पोर्ट, ये भी गुजरात में आता है। कांडला पोर्ट, ये भी गुजरात में आता है। अहमदाबाद पोर्ट गुजरात में आता है। हजीरा पोर्ट गुजरात में आता है। सूरत पोर्ट गुजरात में आता है। नागपुर पोर्ट गुजरात में आता है। आपको क्रीबुच मोदी नगर, ये भी गुजरात में आता है। और एक है वेरवल पोर्ट, ये भी गुजरात में आता है। तो ये सारे गुजरात के पोर्ट्स हैं। अब हम आएंगे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में सबसे पहले हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इसको बोलते हैं नावासिबा पोर्ट, कॉमनली नोन है नावासिबा पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू, इसका कस्टमर कोड है INNSA। उसके बाद इसको JNPT भी बोलते हैं, JNPT, NSICT, GTIL, NSIGT और BMCT, ये सारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के पास ही आते हैं सारे टर्मिनल्स। तो एक हो गया ये आपको महाराष्ट्र में। उसके बाद है मुंबई पोर्ट, एक्स बॉम्बे पोर्ट, ये भी आपका महाराष्ट्र में आता है। एक है पुणे पोर्ट, ये भी महाराष्ट्र में आता है। अब उसके बाद हम आ जाएंगे उत्तराखंड में, उत्तराखंड में आता है आईसीडी काशीपुर, ये उत्तराखंड UK में आता है। उसके बाद कॉनकोर पंतनगर, ये भी उत्तराखंड में आता है। तो उत्तराखंड में दो पोर्ट हो गए बेसिकली, एक आईसीडी काशीपुर और कॉनकोर पंतनगर। उसके बाद आप आओगे मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में है आपका पीथमपुर पोर्ट, ये मध्य प्रदेश के अंदर आता है, जिसका कोड है कस्टम में INPIR, पीथमपुर पोर्ट। उसके बाद आपका आएगा हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में है कॉनकोर आईसीडी बद्दी, BADDI, बद्दी पोर्ट, ये हिमाचल प्रदेश में आता है। और उसके बाद हम आएंगे पंजाब में, तो पंजाब में है आपका आईसीडी लुधियाना, उसके बाद कॉनकोर पंजाब स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन, गेटवे रेल फ्रेट लिमिटेड, अदानी आईसीडी, ये सारा पंजाब के अंदर है, आईसीडी लुधियाना में डील होते हैं। और उसके बाद है आपका पंजाब में अमृतसर पोर्ट, चंडीगढ़ पोर्ट, बठिंडा पोर्ट, जालंधर पोर्ट, और ये सारे आईसीडी CFS है पंजाब में। तो पंजाब में हो गए आईसीडी लुधियाना, उसके बाद अमृतसर, चंडीगढ़, बठिंडा, जालंधर, ये सारे यहाँ पे सारे आईसीडी भी हैं, पोर्ट CFS भी हैं। उसके बाद हम आएंगे तो चेन्नई, साउथ में आएंगे तो चेन्नई, जिसको मद्रास भी बोलते हैं, एक्स मद्रास INMAA, आईसीडी चेन्नई,
उसके बाद आता है इन्नौर पोर्ट, ये भी चेन्नई के अंदर आता है। उसके बाद आईसीडी कोचिन या कोची, ये केरला में आता है, केरला में आईसीडी कोचिन या कोची पोर्ट। उसके बाद कोचिन कोची केरला पोर्ट, ये जो है एक्सपोर्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ टी कॉफ़ी स्पाइस, वाइल इट्स एक्सपोर्ट कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स, ये सारे टी कॉफ़ी ये सब केरला में से एक्सपोर्ट होता है हमारे इंडिया से, ये कोची पोर्ट से, कोची इन्नौर चेन्नई पोर्ट से। अब एक है तमिलनाडु में आईसीडी टूटीकोरिन पोर्ट, टूटीकोरिन जिसका कस्टमर कोड है IMTUT। उसके बाद आपका आएगा टूटीकोरिन पोर्ट्स बेसिकली ट्रेड विद श्रीलंका, इट्स प्रॉपरली कंटेंट कंसर्न बाय रेलवे एंड रोड, इट्स मेनली डील्स विद टूटीकोरिन पोर्ट से डील्स होता है आपका ट्रेड्स, ट्रेड्स का काम होता है बेसिकली। टूटीकोरिन से आपका बेसिकली ट्रेड होता है, ट्रेड विद कोल साल्ट एंड फूड ग्रेन्स। उसके बाद है तमिलनाडु में है आपका कोयम्बटूर पोर्ट, कोयम्बटूर जिसका कस्टमर कोड है INCIB। उसके बाद है आपको आपका तमिलनाडु में एक और पोर्ट है CUDDALORE कडिलोड पोर्ट। उसके बाद आप आ जाओ कर्नाटका में, कर्नाटका में है आपका बेंगलोर पोर्ट, ICD बेंगलोर। उसके बाद मंगलोर एक और है ICD मंगलोर, ये दोनों कर्नाटका में हैं। अब दमन एंड दीव में जाओगे, दमन एंड दीव ये इंडिया का एक दूसरा सिरा आता है साउथ में, तो यहाँ पे भी एक पोर्ट है दमन, ICD दमन एंड दीव। उसके बाद ICD गोवा, INGOU कस्टम में इसका कोड है ICD गोवा। उसके बाद गोवा में एक और पोर्ट है साउथ गोवा में, ये है MARMAGOA मारगाव, मारगाव पोर्ट है, ये भी गोवा में है। और उसके बाद है हैदराबाद में, हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है ICD हैदराबाद, इसका कोड है कस्टम में INHYD ICD हैदराबाद। अब कोलकाता में आएंगे तो कोलकाता में नॉर्थ में, हमारा नॉर्थ इंडिया में पड़ता है तो कोलकाता में है ICD कोलकाता, इसको एक्स कलकत्ता बोलते हैं, तो वहाँ पे एक पोर्ट है, एक पोर्ट है हल्दिया, हल्दिया पोर्ट है, ये भी आपका वेस्ट बंगाल में आता है। और उसके बाद ये हल्दिया से और कोलकाता से आपको बेसिकली ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के लिए होता है, ये एक्सपोर्ट होता है कोलकाता एंड हल्दिया दोनों से। उसके बाद आपको विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है विशाखापट्टनम, ICD विशाखापट्टनम, बिजाग पोर्ट भी है यहीं पर, ICD BTZ पड़ता है, ICD विशाखापट्टनम है। उसके बाद आपको पोर्ट ब्लेयर में जाएंगे अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में, तो एक पोर्ट वहाँ पे भी है ICD पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। उसके बाद आप जाओगे पारादीप पोर्ट ओडिशा, तो पारादीप पोर्ट ओडिशा में पड़ता है ICD पारादीप पोर्ट्स, यहाँ पे आपको ओडिशा में मेनली डील विथ आयरन, वन ऑफ द कोल एंड वन ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ, यहाँ से एक्सपोर्ट होता है आपको जापान के लिए ह्यूज क्वान्टिटी ऑफ कोल, जापान के लिए कोयला एक्सपोर्ट करते हैं ओडिशा से पारादीप पोर्ट से। तो दोस्तों ये सारे पोर्ट्स मैंने आपको बताया जो कि ICD CFS के सारे ड्राई पोर्ट्स के ICD CFS हैं एंड सी पोर्ट्स के टर्मिनल्स के नाम थे। तो ये ICD ड्राई पोर्ट, ये इंडिया के जितने भी ड्राई पोर्ट्स का नाम था ये मैंने आपको बताया है, ये सारे नाम आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो या फिर आगे प्रिंटआउट लेके याद कर सकते हो अपने मेमोरी के लिए। और यहाँ से इंडिया में से आपको कहीं भी कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करना हो, इम्पोर्ट करना, इंडिया में इस पोर्ट ये सारे पोर्ट्स पर मंगाना हो, तो ये सारे पोर्ट्स पर हमारा खुद का अपना ब्रांच ऑफिस है, हमारे कंसर्न पर्सन हैं जो डील करते हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आप कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में मुझे कॉन्टेक्ट करके या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मुझे ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम पे मुझे कॉन्टेक्ट करके आप मेरे से इस सारे कंट्री के लिए डेस्टिनेशन, यहाँ इस सारे पोर्ट से किसी भी कंट्री के लिए आप मेरे से अपने बेस्ट पॉसिबल जहाँ तक हो सकता है जो शिपिंग लाइन प्रोवाइड कराती है उसमें हमारा अपना एक स्लैब बुक होता है हमारे कंपनी का, तो मैं आपको वो फ्रेट प्रोवाइड करा सकता हूँ, ओशियन फ्रेट प्रोवाइड करा सकता हूँ। ये सारे पोर्ट्स टू पोर्ट्स या डाई पोर्ट्स टू डाई पोर्ट्स कोई भी आपको फ्रेट्स की जरूरत हो तो मैं फ्रेट प्रोवाइड कराऊँगा आपको।
और कस्टम क्लेम्स की आप रिक्वायरमेंट हो तो वो भी मैं क्लियर कराऊंगा। हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कस्टम क्लियरेंस एजेंट के साथ, तो मैं उससे कराऊंगा। हमारे शिपिंग लाइनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइल होते हैं सारे डेस्टिनेशन के लिए इन सारे पोर्ट्स, तो मैं वहाँ के लिए आपको बेस्ट पॉसिबल सर्विस प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप मुझे प्लीज़ ये सारे चीज़ के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन में बाकी डिटेल ले सकते हो। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे बेसिकली कॉन्टैक्ट कर सकते हो दोस्तों। बाकी ये सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कुछ भी प्रोत्साहित करना चाहोगे तो आप प्लीज़ मुझे मेरे वीडियोस को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करो और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो, ताकि आगे का मेरा कोई भी अपडेट हो, कोई वीडियो हो, तो आपको अपने आप मैसेज मिल जाएगा कि मैंने अपना आगे का वीडियो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपको शेयर किया है। थैंक यू दोस्तों।